सेस्मिक एक्टिविटीज का भी होते रहना स्वाभाविक है, तो वो हमारे क्राफ्ट के लिए किसी तरीके का नुकसान ना हो या उस आंधी से हमारे कोई पैनल खराब ना हो जाए, ये बात सुनिश्चित करने के बाद डेट आगे बढ़ाना क्या डिसीजन जो है वो इसरो लेगा। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर कोई अब बस वो घंटे गिन रहा है जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करे, जिसका इंतजार तमाम भारत के साथ पूरे विश्व को है। इस वक्त हम नेहरू प्लेनेटेरियम में मौजूद हैं। प्रेरणा चंद्रा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम, स्क्रीन लग गई है यानी कि पूरी तैयारियां हो गई है, काउंटडाउन शुरू? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आज से हमारा टेक्निकल प्रोसीजर्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है इस नजारे को देखने के लिए, तो हमने यहाँ पर खास आयोजन किया है 3 LED स्क्रीन लगाकर, ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर देख पाए। ठीक है, इसके साथ ही मैम जानना चाहेंगे जो चंद्रयान के अपडेट के बारे में, कल बताया गया कि चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हुआ, इसके क्या मायने होते हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा? डेफिनेटली इट्स अ बिग डे, और जिस समय इसरो ने इस बात की पुष्टि करी कि हमारा संपर्क स्थापित हो गया, तो ये बहुत ही गुड न्यूज है, बिकॉज दैट कम्युनिकेशन विल रियली गोना हेल्प अस, और हमारे इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। और लास्ट मिनट जो कि हमारा चंद्रयान 2 के समय संपर्क टूट गया था, उस संपर्क को ये और स्ट्रांग कर देंगे, और क्योंकि हमारा प्रपल्शन भी उसी कक्षा में घूम रहा है, तो ये कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब तक जो समझ आ रहा था प्रेरणा जी, तो ये समझ आ रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जैसे ही विक्रम लैंडर से रोवर निकलेगा और रोवर जब रोविंग करेगा तो वो जो डेटा इकट्ठा करेगा वो विक्रम लैंडर को देगा, विक्रम लैंडर उसको अर्थ स्टेशन पे भेजेगा, तो क्या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन होने के बाद इस प्रक्रिया में कोई चेंज होगा? नहीं, प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, बट ऑर्बिटर जो है हमारे को एक्स्ट्रा सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कक्षा में है और उसने संपर्क स्थापित कर लिया है, जैसा इसरो ने कल के ट्वीट में हमें बताया, तो वो एक एडिड एडवांटेज रहेगा। अगर किसी तरीके का संपर्क साधने में हम चूकते हैं तो वो ऑर्बिटर उसको एज अ बैकअप प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो ऑर्बिटर एक बैकअप की भूमिका पे निभाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को, जिसको हम लोग चंद्रयान 3 कह रहे हैं, नासा ने भी हाथ मिलाया, नासा ने भी मदद की, तो क्या मदद की अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की इमेज हमारे चंद्रयान 3 ने भेजी है, उस इमेजेस की वेरिफिकेशन जो है वो नासा ने भी करी है, बिकॉज नासा स्पेस रेस में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाले वो पहले देश हैं, तो उनके जो टेलीस्कोप और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसने इस बात की पुष्टि करी है कि जिस तरीके की इमेज और आंकड़े सामने आए हैं वो पूरी तरह से वेरिफाइड है। ठीक है, और क्या नासा किसी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग या इन सब चीजों में भी मदद कर पाएगा? जी नहीं, इसमें सॉफ्ट लैंडिंग तो भारत की अपनी रहेगी, हाँ। पूरी तरह से ये मेक इन इंडिया मिशन है, बट आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे आंकड़ों का इस्तेमाल नासा अपने प्रोजेक्ट्स में करे। ठीक है मैम, एक चीज ये समझना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ा, जो एक जेनरिक क्वेश्चन जो लोगों के मन में है, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये डार्क साइड ऑफ मून है? ये हमें मालूम है कि ये चांद का वो हिस्सा है जो हम कभी नहीं देख सकते अपनी नेकेड आईज के थ्रू, डार्क साइड से मायने क्या, क्या ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है इस वजह से डार्क साइड? जी बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा के सिर्फ एक फेज को ही हम लोग देख पाते हैं ह्यूमन आई से, क्योंकि जो उसका रेवोल्यूशन होता है चंद्रमा जब घूमता है, क्योंकि चंद्रमा अपने कक्षा में भी घूम रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, तो जिस समय पर वो घूमकर वापस आता है उसी समय पर पृथ्वी भी घूम के वापस आ जाती है, तो हम एक दूसरे के हमेशा एक ही फेज को देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अनआइडेंटिफाइड साइट है और यहाँ पर कई वर्षों से जो है प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में, बर्फीले फॉर्मेट में यहाँ पर है, जिसके ट्रेसेस हमने चंद्रयान 1 और 2 में हमने लगा लिए थे। इसी वजह से ये जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि एक तो इस पर ज्यादा खोज नहीं हुई है, ज्यादा आंकड़े हमारे पास नहीं है, साथ ही इस बात की पुष्टि भी थी हमारे पास कि ये जगह जो है वो कई ऐसे खनिजों का भंडार है जो आगे आने वाले समय पर इंसान को बसाने के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाने में इस्तेमाल में लाई जा सके। जी मैम, क्या इस तरीके की कोई जानकारी है कि किस तरीके के समय को मून पे चूज किया गया लैंडिंग के लिए? क्या ये उजाले का समय होने वाला है या रात को लैंडिंग करने वाला है, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है? और कितना मुश्किल होता है दोनों में
उजाले और रात की लैंडिंग में चंद्रमा में लैंड करना। जी बिल्कुल, क्योंकि मून का कोई अपना टेम्परेचर नहीं है और रात के समय पर -138 डिग्री के करीब टेम्परेचर नीचे चला जाता है। इस समय पर जो है हमारे सोलर पैनल्स का काम करना असंभव है, इसी वजह से हम उन 14 दिनों का चयन करते हैं जिस समय सूर्य का प्रकाश वहां पर रहे और उजाला रहे, ताकि उन 14 दिनों का बेहतर तरीके से प्रयोग कर ये प्रयोग यानी कि लैंडिंग उजाले में ही होगी। जी डेफिनेटली, वो दिन चूज करने का मकसद ही है, उस समय चंद्रमा पर सूर्य उदय का समय रहेगा और 14 दिन चंद्रमा पर सूर्य उदय रहता है और 14 दिन जो है वो अंधकार रहता है, रात रहती है। मैम लैंडिंग के लिए, क्योंकि जब तक उसको जगह नहीं मिलती है वो होवर करता रहता है, तो कल इस तरीके की बात भी सामने आई कि अगर 23 अगस्त को हम लैंड नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, तो 27 अगस्त को भी उसको ट्राई किया जाएगा। 23 और 27 में कुछ मतलब कुछ खास कि 27 को क्यों, 24-25 को क्यों नहीं? जी बिल्कुल, लास्ट मिनट डिसीजन डेफिनेटली ये इसरो लेगा, क्योंकि एक बार विक्रम लैंडर अगर इस बात की पुष्टि कर दे कि ये सही समय है उतरने के लिए, क्योंकि चंद्रमा पर बहुत से सेस्मिक एक्टिविटीज का भी होते रहना स्वाभाविक है, तो वो हमारे क्राफ्ट के लिए किसी तरीके का नुकसान ना हो या उस आंधी से हमारे कोई पैनल खराब ना हो जाए, ये बात सुनिश्चित करने के बाद डेट आगे बढ़ाना क्या डिसीजन जो है वो इसरो ले। अभी किस स्टेज पे आखिरी सवाल? आखिरी हम अपने आखिरी स्टेज पर हैं और बस अब कल 23 तारीख को 6:04 का इंतजार है, अपनी आखिरी कक्षा के चक्कर लगा रहा है और अब ये 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक का जो सफर है बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। चलिए, तो बस अब आखिरी स्टेज पे हम लोग हैं और कल अब सबकी निगाहें 6:04 पे टिकी हुई है, जहां पर सब चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होते हुए देखेंगे और उसको सफल होते हुए देखेंगे।